our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. की दो रिंग लेंगे, टेप की मदद से ज्वाइंट कर लेंगे। 3 mm की ये डोरी लेंगे, इससे हम झूला बनाएंगे और रिंग को रैप करेंगे। मैंने यहाँ पे नाप के अनुसार कुछ डोरी कट की है। सबसे पहले 115 सेंटीमीटर की डोरी को बराबर लेते हुए रिंग में फंसा लेंगे। इधर उधर ना हिले इसके लिए टेप लगा लेंगे। 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर की डोरी बराबर करते हुए नीचे से इस तरह से लेते हुए अब हम नॉट लगाएंगे। प्यार हम किसी एक से नहीं करते, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्त से, बहुत से लोगों से करते हैं, तो इजहार किसी एक से क्यों। मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जबकि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये वीडियो मेरी बहन के लिए है। दिव्या, मेरी बहन, थैंक यू। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू। तुम जहाँ रहो खुश रहो। इस तरह का नॉट लगाते लगाते ये हमारा फोल्ड होते जाएगा झूला। अब सेम ऐसा ही हम दूसरी साइड बना लेंगे। 3 mm की इस डोरी से रिंग को रैप करेंगे। रैप हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक की रॉड ली है, आप चाहें तो स्टिक ले सकते हैं। इसको इस तरह से करते हुए फंसा लेंगे। ग्लू से पहले इसको चिपका लेंगे, इसके बाद हम ये चारों डोरियों को पकड़ते हुए नॉट लगा लेंगे। ठीक ऐसा ही दूसरी साइड कर लेंगे। नॉट लग जाने के बाद दोनों साइड यहां कट कर लेंगे। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। ये बन जाने के बाद हम दो डॉल बनाएंगे यानी नूतन दिव्या को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये 3 कलर की ऊन लिए हैं, इससे मैं डॉल बनाऊंगी और बाकी ये जो ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन, इससे मैं बाल बनाऊंगी। फ्रॉक बनाने के लिए यहाँ पे कार्डबोर्ड से मैंने 10 सेंटीमीटर कट कर लिया है
और जिस कलर का बाल बनाएंगे यानी ब्राउन कलर, उसको थोड़ा सा कट करके ऊपर इस तरह से फंसा लेंगे, और जिससे फ्रॉक बनाना है जिस कलर से, उसको इस तरह से रैप करते जाएंगे, फंसाते जाएंगे। मैं यहाँ पे 200 बार रैप करूँगी। मैं यहाँ दिव्या का फ्रॉक बना रही हूँ इस कलर से। रैप हो जाने के बाद ब्राउन कलर के धागे से इसको बांध लेंगे। अब इसको कार्डबोर्ड से निकाल लेंगे। हाथों से अच्छी तरह सेट हो जाने के बाद कैंची से कट कर लेंगे। बाल बनाने के लिए 7 सेंटीमीटर का कट कर लेंगे। ब्राउन कलर के धागे को ऊपर फंसा लेंगे और ब्राउन कलर के ही धागे से 25 बार रैप करेंगे। पच्चीस बार रैप हो जाने के बाद कट कर लेंगे। बाकी प्रोसीजर पहले की तरह। इसी से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। बस अंतर इतना है कि उसमें हम 15 बार रैप करेंगे। अब 30 mm का ये बीट्स लेंगे। इस बीट्स के होल में हम इसको डाल के निकाल लेंगे। अब इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 25 बार लपेट के जो हमने तैयार किया था उसको इस तरह से करते हुए इसके ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से गांठ मार लेंगे। बराबर करते हुए कट कर लेंगे। हेड के बैक साइड में ग्लूगन लगा लेंगे और हमने 15 बार लपेट के जो बाल तैयार किया था ब्राउन कलर का, उसे पेस्ट कर लेंगे। बाल को बांधने के लिए मैंने ड्रेस के कलर का ही धागा लिया है। पहले कंघी कर लेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए बाल को बांध लेंगे।
बीच में कंघी करते रहेंगे ताकि फिनिशिंग आती रहे। बालों को अच्छा लुक देने के लिए इसको कट कर लेते हैं, पर कट करने से पहले बालों को अच्छे से कंघी कर लेंगे। तो चलिए हम दिव्या के बालों को अच्छे से कंघी कर लें। मैं यहाँ पे बालों को वी शेप में कट कर रही हूँ। वैसे ये वी शेप में है या नहीं, क्योंकि मैंने कभी कट नहीं किया है, और अगर आज दिव्या होती तो ये ज़रूर कहती कि ये मुझे चाहिए मुझे चाहिए, क्योंकि उसे डॉल बहुत पसंद थी। आंटी से कह कह के डॉल के लिए तरह तरह के कपड़े सिलवाना, डॉल को हमेशा खरीदना। तो बहन ये तुम्हारे लिए ही है। बीच बीच में कंघी करते रहें, इससे फिनिशिंग भी रहती है और लुक भी अच्छा आता है। हाथ बनाने के लिए मैंने ये कॉटन की डोरी ली है। इसको ऊपर इस तरह से रख के एक नाप ले लेंगे कि हमें कितनी लेंथ चाहिए हाथ की, उसके हिसाब से कट कर लेंगे। अंदर की तरफ फिंगर डालते हुए इसे दो बराबर भागों में कर लेंगे, कंघी कर लेंगे, ग्लूगन की मदद से हाथ को रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए गोल्डन डोरी लेके यहाँ कमर पे बांध लेंगे। फ्रॉक को नीचे से बराबर करने के लिए और अच्छा लुक लाने के लिए कट कर लेंगे। पैर बनाने के लिए कॉटन डोरी को इस तरह से रख के नाप ले लेंगे और पहले की तरह करके पेस्ट कर लेंगे। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। पीछे से और आगे से देखने में ये डॉल कुछ ऐसी लग रही है। बालों में लगाने के लिए मैंने ये स्टिकर लिया है सिल्वर कलर का। इस तरह से तैयार हो गई मेरी बहन दिव्या। ठीक ऐसे ही दूसरा तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ खुद के लिए ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है। दोनों में अंतर दिखे इसके लिए मैंने कलर और वेट में थोड़ा सा अंतर रखा है। ये रेडी हो गई नूतन और दिव्या। बैलून बनाने के लिए मैंने यहाँ दो कलर लिए हैं, रेड और पिंक। आप क्या लेते हैं ये आपकी च्वाइस है। इसको इस तरह से फिंगर पे रखते हुए 90 बार रैप कर लेंगे। रैप हो जाने के बाद कैंची से कट कर लेंगे और फिंगर से निकाल लेंगे। छोटा सा पीस कट कर लेंगे, उसके ऊपर रखते हुए बांध लेंगे। पहले हम राइट और लेफ्ट साइड में कट कर लेंगे और फ्री कर लेंगे इसे। ऐसा हो जाने के बाद कैंची से तब तक कट करेंगे जब तक इसे एक अच्छा सा शेप ना मिल जाए। ठीक ऐसा ही मैंने तीन और तैयार कर लिया है। अब वाइट डोरी लेंगे और इसे तीनों को अटैच कर लेंगे। अब सुई धागा लेंगे और बीट्स के जो होल थे तो नीचे के होल से
करते हुए ऊपर से निकाल लेंगे। इसे हम रिंग में अटैच करेंगे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। पैर को हल्का से फिक्स करने के लिए मैं ग्लू गन लगा रही हूं। मेरे बगल में बैठेगी दिव्या, झूले पे बैठी हुई नूतन दिव्या कुछ ऐसी लग रही हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ी है, इसके लिए मैंने ऐसा कर लिया है। नूतन दिव्या के फ्रॉक को थोड़ा सही कर लें। अब हमने तीनों जो बैलून तैयार की थी उसको रिंग में ऊपर की तरफ पेस्ट कर देंगे और डोरी को हाथों में पेस्ट कर देंगे। मेरे पास ये पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, इसमें से मैं इस तरह से करते हुए कुछ पत्तियों को कलेक्ट कर लूँगी। इसे मैं रिंग के ऊपर लगाऊँगी। ग्लू गन लगाते हुए इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हैंग करने के लिए हम डोरी को ऊपर लगा लेंगे। तरह से रेडी हो जाने के बाद ये बैक साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है। फ्रंट से ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।